Assalamu alaikum, my name is Zahram Savir. I'm fashion and textile instructor and in this video I'm going to show you how to make a sleeves block. So basically sleeves block banane ke liye aapko pehle apne bodice block ya torso block chahiye honge jiski hum armhole measurement le lenge with the help of silk scale. तो सबसे पहले मेरे पास टॉर्सो ब्लॉक्स अवेलेबल है और मैं इस मीडियम साइज का ब्लॉक है एंड आई एम गोइंग टू टेक इसकी आर्म होल की मेजरमेंट विद हेल्प ऑफ सिल्क स्केल. आप सिल्क स्केल को बेंड करके इजीली मेजरमेंट ले सकते हैं. अभी मेरे पास जो फ्रंट ब्लॉक की मेजरमेंट आ रही है वो 22.7 है. इसी तरीके से मैं बैक आर्म होल की मेजरमेंट ले लूँगी एंड देन इन मेजरमेंट्स को यूज़ करके हम स्लीव्स का ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करेंगे. आपने किसी भी साइज के ऊपर ब्लॉक बनाना हो प्रोसीजर सेम रहेगा. मेरे पास बैक आर्म होल की मेजरमेंट 23.5 आई है. मैं दोनों मेजरमेंट्स अपने पास लिख लूंगी जैसे कि मैंने ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी लिखी भी हुई है और अब इन मेजरमेंट्स को यूज करके हम स्लीव्स का ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करेंगे. स्लीव ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आप पैटर्न शीट ले लें एंड पैटर्न शीट को सेंटर फोल्ड करके आप शीट का सेंटर मार्क कर लें. जिस सेंट्रल लाइन हमने मार्क की है फोल्डिंग है इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी जिसके अकॉर्डिंग हम अपना स्लीव का पैटर्न कंस्ट्रक्ट करेंगे. सेंटर लाइन मार्क करने के बाद मैं 5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एक पॉइंट मार्क कर लूंगी जहां से मेरा स्लीव्स का ब्लॉक स्टार्ट होगा. इसी पॉइंट को मैं स्क्वायर बोथ वेज कर दूंगी. अपनी एक स्ट्रेट लाइन लगानी है दोनों साइड पे इस पॉइंट से. ये पॉइंट हमारा पॉइंट जीरो कंसिडर होगा. इस पॉइंट से नीचे आपने अपने स्लीव्स की लेंथ मार्क करनी है क्योंकि मैं मीडियम साइज पे बना ली हूँ. स्टैंडर्ड स्लीव मेजरमेंट 52 आती है. अगर आप चाहें तो आप किसी भी कस्टमाइज साइज पे या अपने स्लीव्स के साइज पे भी लेंथ मार्क कर सकते हैं. मार्किंग करने के बाद मैं इस पॉइंट को भी स्क्वायर बोथ वेज कर दूंगी. जो पॉइंट मार्क किए इसको नेम कर देंगे पॉइंट वन. अब हमने बेसिकली स्लीव्स की केप हाइट मार्क करनी है. केप हाइट मार्क करने के लिए आपने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की मेजरमेंट को ऐड करना है एंड उसको डिवाइड कर देना है 4 पे. अगेन मैं फॉर्मूला बता देती हूँ केप हाइट का. यू हैव टू ऐड फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल एंड उसको डिवाइड कर देना है 4 के ऊपर. अभी मेरे पास जो फ्रंट आर्म होल आई थी वो 22.7 थी एंड बैक मेरे पास 23.5 है. तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी. इनको ऐड करने के बाद मेरे पास आएगी 46.2. 46.2 को आपने ऐड डिवाइड कर देने 4 के ऊपर. मेजरमेंट आएगी 11.5. ये जो मेजरमेंट आएगी ये आपकी केप हाइट है. ये आपने जीरो से डाउनवर्ड मार्क कर देनी है. एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप की फ्रंट आर्म होल मेजरमेंट और बैक आर्म होल मेजरमेंट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है. आपने एक ही इक्वेशन के अंदर ये सॉल्व नहीं करना वरना आपकी मेजरमेंट इससे ज़्यादा आएगी एंड यूजुअली जो केप हाइट आती है वो 11, 12, 13 तक ही आती है. 11.5 में डाउनवर्ड मार्क कर दूंगी. ये 0.2 होगा. इस पॉइंट को भी मैं स्क्वायर बोथ वेज कर दूंगी. जब भी पैटर्न बना रहे होते हैं लेफ्ट साइड पे आपकी बैक कंस्ट्रक्ट होती है एंड राइट साइड पे आपकी फ्रंट कंस्ट्रक्ट होती है. जो केप हाइट मैंने मार्क की थी ये आपका 0.2 बनेगा. अब आपने जीरो पे स्केल रख के अपनी फ्रंट की जो मेजरमेंट है वो फ्रंट वाली साइड पे इस लाइन के ऊपर मार्क कर देनी है. हमारी फ्रंट की आर्म होल मेजरमेंट 22.7 थी. आप स्केल को जीरो पे रखेंगे एंड डायगनली जो आपने केप हाइट वाली लाइन मार्क की है उसके ऊपर प्लेस करेंगे. जहां पे 22.7 टच करेगा इस लाइन को वहां पे आप मार्क कर देंगे. मेक श्योर करना है आपका स्केल यहां से जीरो पॉइंट को टच कर रहा हो और इस लाइन के ऊपर 22.7 टच कर रहा हो एंड आप एक लाइन डायगनली ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम 0.0 टू 0.2.
इसी तरीके से जो बैक की मायरमेंट है स्केल जीरो पे रख के आप अपने लेफ्ट साइड के ऊपर 23.5 जो कि बैक आर्म होल मायरमेंट थी वो मार्क कर देंगे। मेक श्योर करने स्केल जीरो पे हो एंड 23.5 यहाँ पे टच कर रहा हो लाइन टू पे एंड आपने इस लाइन को ज्वाइन कर देना। अब मेरी बैक मायरमेंट इज 23.5 एंड फ्रंट की आर्म होल मायरमेंट मेरी थी 22.7। आपने सेपरेटली दोनों जो मार्किंग्स हैं उनको डिवाइड करने है फोर पे, क्योंकि हमने जीरो से ये जो आपकी लाइन मार्क हुई है इसको हमने डिवाइड करना है फोर पार्ट्स के अंदर। अगर मैं 22.7 को फोर पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो 5.6 आएगा। मैंने 22.7 को डिवाइड किया फोर पे और जो मार्किंग आई है वो 5.6 की आई है। सो बेसिकली मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया फोर इक्वल पार्ट्स में। इसी तरीके से जो बैक की लाइन है 23.5 मैं इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। 23.5 को डिवाइड करके फोर पे मेरे पास रीडिंग आई है 5.8 की। मैं यहाँ पे 5.8 की मार्किंग्स करके इस लाइन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अब ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं इनको मैंने रेज करना है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा फ्रंट का वो हम 1.5 आउटवर्ड मार्क करेंगे। फ्रंट का जो कर्व आता है वो थोड़ा सा रेज्ड होता है और बैक का थोड़ा सा इनवर्ट होता है, इसलिए जो फ्रंट का फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने 1.5 आउटवर्ड मार्क किया है। सेकेंड पॉइंट को नहीं आपने टच करना, जो थर्ड पॉइंट है उसको 1 सेंटीमीटर इनवर्ड मार्क करना है। बैक के फर्स्ट पॉइंट को हमने 1 सेंटीमीटर आउटवर्ड मार्क करने, सेम मिडल को हम टच नहीं करेंगे एंड जो थर्ड पॉइंट आपका बनेगा लाइन पे उसको हम 1 सेंटीमीटर इनवर्ड मार्क करेंगे। इसके बाद जो आपकी स्लीव एंट्री है जो आपका बाजू होते है उसको हम मार्क करेंगे। ये डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, आपने जिस तरह का लूज स्लीव्स बनाने तो आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट मार्क कर सकते हैं, फिटेड बनाने तो आप उसके अकॉर्डिंग जितनी आपने स्लीव एंट्री करनी है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे। क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड स्लीव मार्क बना रहे हैं इसलिए मैं दोनों साइड पे 11 सेंटीमीटर मार्क करूंगी एंड इसको ज्वाइन कर दूंगी केप हाइट वाली लाइन के साथ। कि ये वाली स्लीव्स थोड़ी से फिटेड आएंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि लूज स्लीव आए तो आप स्लीव एंट्री जो है वो इंक्रीज करके इनको लूज भी बना सकते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए थे फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसका स्लीव्स का कर्व बनाएंगे। मेक श्योर करने है फ्रेंच कर्व जीरो एंड ये जो आपने 1.5 आउटवर्ड किए इसको और सेंटर को टच कराओ। सबसे पहले हम आउटवर्ड कर्व बनाएंगे, ऊपर वाला कर्व बनाएंगे एंड देन फिर हम इनवर्ड कर्व बनाएंगे जो अंदर की तरफ आएगा। फ्रेंच कर्व यूज़ करते हुए ध्यान रखना है कि आपको स्लीव की शेप कैसी चाहिए। बेसिक स्लीव की शेप इस तरीके से अपवर्ड राउंडेड और फिर आगे जाके स्मूथ कर्व के साथ आती है। तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट है जीरो से टिल योर मिड पार्ट आपने उसको रेस्ड लुक देनी है एंड देन फिर आपने फ्रेंच कर्व फ्लिप करके इनवर्ट कर्व देने। इसमें भी मेक श्योर करना है जो आपने लाइन आउटवर्ड निकाली है उसको सेंटर को एंड ये जो आपकी केप हाइट की टिप है इसको आपका फ्रेंच कर्व टच कराओ एंड आपने कर दे देना। इसी तरीके से दूसरी साइड पे पॉइंट जीरो को टच करने जो आपने आउटवर्ड लाइन मार्क किए उसको टच करें एंड सेंटर को टच करें। जब इन तीनों पॉइंट्स को आपका फ्रेंच कर्व टच करा होगा तब आपने कर्व ड्रॉ करना है, पहले आउटवर्ड कर्व एंड फिर इनवर्ड कर्व। इनवर्ट कर्व बनाते हुए ध्यान रखने कि जो तीन पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आपका कर्व टच कर रहा हूँ एंड आपने इसको ज्वाइन कर देना। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका कर्व बनाया वो स्मूथ आ रहा हो। अब ये जो हमने कर्व बनाया है इस कर्व से हम स्लीव्स की
कटिंग कर देंगे। एंड स्लीव ब्लॉक रेडी है। सीम अलाउंस के बगैर हमने ब्लॉक बनाया, आप चाहें तो सीम अलाउंस ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने सीम अलाउंस पैटर्न में नहीं ऐड की तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी ऐड कर सकते हैं। सो ये वीडियो थी स्लीव ब्लॉक के बारे में, होपफुली आपको समझ आई होगी।